मेरा सलाम अलैकुम, वेलकम टू गौहर पब्लिशर्स। दिस इज़ हमना बिनते शहजाद। आवर मोटो इज़ रीडिफाइनिंग द ज्योग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कंसेप्चुअल लर्निंग। डियर टीचर्स एंड डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेसन में हम देखेंगे अपनी गौहर मैथमेटिक्स प्रे ग्रुप क्लास के लिए का एक टॉपिक, और टॉपिक हमारे पास है गुड मैनर्स। गुड मैनर्स क्या होते हैं? गुड मैनर्स से हमारी मुराद होती है कि हमारे अच्छे अखलाक, हमारी अच्छी आदतें। तो देखते हैं वो कौन सी अच्छी आदतें हैं जो कि हर बच्चे के अंदर होना लाजमी है। सबसे पहले हर बच्चे को पता होना चाहिए कि उसने अपनी चीज़ों को दूसरों से शेयर भी करना है और अपनी बारी का इंतज़ार भी करना है। इसी तरीके से बच्चे को ये पता होना चाहिए कि जब हमने किसी क्यू में खड़ा होना है, लाइन में खड़ा होना है, तो हमने क्वाइटली और बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से खड़ा होना है। इसी तरीके से बच्चे को पता होना चाहिए कि जब आपसे कोई बड़ा या कोई भी आपका क्लास फेलो या कोई भी आपसे बात कर रहा होता है, तो आपने बहुत केयरफुली उसकी बात सुननी है। नेक्स्ट, आपको पता होना चाहिए कि आपने अपनी चीज़ों को सही जगह पर रखना है। अच्छे बच्चे कभी भी गंद नहीं मचाते। इसी तरीके से आपने जो भी बात करनी है बहुत पोलाइट मैनर में करनी है। अपनी आवाज़ को एक कमरे तक महदूद रखना है। लाउडली नहीं बोलना कि आपकी आवाज़ किसी भी कमरे से बाहर जाए। लाउडली नहीं बिल्कुल भी बोलना नहीं है, ये अच्छी आदत नहीं होती। इसी तरीके से जब भी वेन एवर यू आस्क अ क्वेश्चन, वेन एवर यू नीड एनीथिंग, तो आपने अपना हैंड रेज करना है, ये भी एक गुड मैनर है। इसी तरीके से जब आपने क्लासरूम में एक डेस्क से उठ के दूसरी डेस्क तक जाना है, या आपकी ब्रेक हुई है, आपने क्लासरूम से बाहर जाना है, आपने वॉशरूम जाना है, यू वांट टू गो टू ड्रिंक फॉर अ वाटर, तो आपने चल कर जाना है, आपने भागते हुए नहीं जाना। इसी तरीके से हमेशा याद रखिएगा कि आपके हाथ और आपके पांव, कीप योर हैंड एंड फीट टू योर सेल्फ, यानी कि इसका मतलब ये है कि इससे दूसरों को महफूज रहना चाहिए। अल्लाह ताला भी हमें यही कहते हैं कि बींग अ मुसलमान, हमारे हाथ और हमारी ज़बान से दूसरा मुसलमान महफूज होना चाहिए, यानी कि हमने किसी को मारना नहीं है। इसी तरीके से अगर हमारा कोई क्लास फेलो, कोई स्कूल फेलो, हमें कोई भी हमारे घर में हमारा बहन भाई, अगर उसको हमारी हेल्प की ज़रूरत होती है, तो यहाँ पर हमने हेल्प भी करनी है। इसी तरीके से क्लासरूम में अपनी सीट पर बैठना है, ऐसे ही इधर उधर लेफ्ट राइट हमने नहीं चलना। इसी तरीके से जितने भी शार्प ऑब्जेक्ट्स हमने पकड़ने हैं, चाहे वो छुरी है, चाहे वो सीजर है, हमने उसको ऐसे नीचे की तरफ करके पकड़ना है। यूँ नहीं कि आपने यूँ करके किसी को सीजर पकड़ा दी, यूँ करके किसी को आपने नाइफ पकड़ा दी। नो, आपने हमेशा उसको नीचे उसका मुंह करना है और फिर किसी को पकड़ानी है, ताकि किसी को लगे ना, कोई उसको चोट ना लग जाए। नेक्स्ट, जब भी आपने किसी से कोई भी चीज़ बोरो करनी है या किसी ने आपकी हेल्प की है, तो आपने बी पोलाइट। अगर आपने किसी से रिक्वेस्ट करनी है, तो आपने उसको प्लीज़ बोलना है, और अगर किसी ने आपकी हेल्प की है या आपकी रिक्वेस्ट को फुलफ़िल किया है, तो आपने उसको थैंक यू भी बोलना है। अब देखते हैं अपनी बुक का पेज नंबर 2। ठीक है जी, पेज नंबर 2 पर भी देखें, जितने भी गुड मैनर्स हमने अभी डिस्कस किए हैं, वो सारे के सारे हैं। पहला गुड मैनर क्या कह रहा है? हमेशा दूसरों के साथ हमें बहुत नाइसली अच्छा सलूक करना चाहिए, और दूसरों को इनकरेज भी करना चाहिए, यानी कि किसी को हमारी हेल्प की ज़रूरत है, तो हमें उसको हेल्प देनी चाहिए। किसी को अगर कोई गिर गया है, तो हमें उसको पकड़ना चाहिए। कोई अच्छा काम कर रहा है, तो हमें उसको इनकरेज करना चाहिए। आई होप आपको ये वीडियो लेसन पसंद आया होगा। एक नए वीडियो लेसन के साथ हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।